हैं, उससे आगे के दूसरे में आते हैं तो प्रथम खंड में ही है वो कथा। तीसरा स्कंदन 21वें अध्याय से 33वें स्कंद, 33वें अध्याय में स्कंद के समाप्ति पर्यंत। और कविराज तो कह गए अपनी बात पर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो छोड़ी थी जो थी वह, जो सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि शर्त रखी गई थी एक विवाहित जीवन में आने से पूर्व महर्षि कर्दम ने एक शर्त रखी थी, वो शर्त तो भूल गए सारे, वह शर्त क्या थी बोलिए सच्चे दरबार की। और देखिए जब कर्दम, क्योंकि कर्दम जो थे वो ब्राह्मण थे और स्वयंभू मनु जो थे वो क्षत्रिय, क्षत्रिय कन्या ब्राह्मण को वरण की जा सकती थी, ये तो केवल गड़बड़ तो देवयानी में ही हो गई, झूक चूक बात हो गई, वो कोई और कथा है। तो कहने की बात ये है कि जिस समय महर्षि कर्दम के सामने स्वयंभू मनु आए हैं तो महर्षि कर्दम ने कहा था कि महाराज क्षत्रियों का काम है अपनी प्रजा के हित में विचरण करना, तो आप विचरण करते हुए तो किसी हित से ही आए होंगे, पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि आपका आगमन किस कारण से है, तब बताया था। अब आगे की बात सुनिए, उनकी एक राजधानी थी बरहिष्मती। तो मेरा पहला प्रश्न तो मैं चलते समय करूंगा, मैं हर गाने के बाद एक प्रश्न छोड़ करके जाऊंगा और उस प्रश्न का जवाब देने का था तो सारे एक प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि ब्रह्मावर्त प्रदेश में उनकी राजधानी का नाम था बरहिष्मती, तो बरहिष्मती नाम कैसे पड़ा, वो उसका नाम बरहिष्मती क्यों था, ये चुनौती है तो प्रश्न है मेरा। अब आगे आइए वैवाहिक जीवन में कैसे प्रवेश करते हैं। जो मनुस्मृति में आठ प्रकार के विवाह उस ब्रह्म विवाह से, के ब्रह्म विवाह से परण करी या वरण करी, हे ब्रह्म विवाह से वरण वरण करी, अनुभरी उमंग में काया और एकदम से पैदा नहीं कर दिया था, कुछ और किया था कर्दम ने, ब्रह्म विवाह से वो वरण करी, अर्णु भरी उमंग में काया, भई हरी भजन में अनुरक्ति हुई भक्ति में चित लाया, पर संतति जब तक हो ना तब तक ग्रस्त करूं सविता, भाई
जा तब यति धर्म जो उधार, यति धर्म जो उधार। पर नहीं बताई ये भूल गए कवि कैसे करे किरकार, नहीं बताई भूल गए कवि कैसे करे बड़ भागी मड़ मरन आया, बड़ भागी मड़ मरन आया। ओ हरि वचन में अमृति हुई भक्ति में चेतना, जाति शब्द जो है ये मनुस्मृति में भी नहीं है, वर्ण का शब्द है, पर आम भाषा में हम कह दिया करते हैं। बड़ी मनुसुता बन गई ब्राह्मणी, बड़ी मनुसुता बन गई ब्राह्मणी, मनुसुता बन गई ब्राह्मणी। जब कर दम के आई तन मन से, भई तन मन से वो मनुसुता ने ऋषि की सेवा ठाई, वो तन से मन से मनुसुता ने ऋषि की सेवा ठाई। भई सेवा में दारुण दुख ठाया, काया कति सुखाई। सेवा में दारुण दुख ठाया, काया कति सुखाई, वो काया कति सुखाई। और कर दिया था संतुष्ट ऋषि को युनि की लेख में पाई, वो कर दिया था संतुष्ट ऋषि को युनि लेख में पाई, कर दिया था संतुष्ट ऋषि को। ये व्यास मुनि ने समझाई, अरे तीजा स्कंद पढ़ाया पढ़ाया, तीजा स्कंद पढ़ाया। हुई भक्ति में अमरती, हुई भक्ति में चेतना, भक्ति में चेतना। उस कार्य पर अभी तक ध्यान नहीं गया और कितना समय बीत गया वो विष्णु जी। भाई ब्रह्म विवाह से वर्ण करी, कर सेवा आठोया, कर सेवा आठोया। भाई करदम जी हरि भक्ति में, करदम जी हुए मगन भक्ति में, कटन लगे घनश्याम। ओ करदम जी हुए मगन भक्ति में, रटन लगे घनश्याम। भई वाम अंग जब आवे से, भई वाम अंग जो भी आवे वो फर्ज निभावे वाम। वाम इसीलिए बोलते हैं, वाम अंग ही भी बोलते हैं, वाम लोचना भी बोलते हैं, वाम का किरदार भी होता है। भई वाम अंग जो आवे
और वही कहा वे मां इकहत्तर चतुर्युगी बीत गई लिया नहीं विश्राम इकहत्तर चतुर्युगी बीत गई अनुसरण करता है उसका नाम भी अनुशासन है। और मेरे भाई साहब भी संकेत कर रहे हैं भाई का घड़ो ना बोलो तो नहीं बोलिया कर जितनो बोलिए सच्चे दरबार की इसलिए मुझे तो अनुशासन मेरे ना ही पड़ता है। मैं बच्चा हूँ आपका मैं तो अभिमत्यु हूँ जितने तीर्थ रहने की आज्ञा दोगे उतने ही तरकस में से निकालूंगा। पर आज भीष्म नहीं आए वरना निर्णय हो ही जाता। बोलिए सच्चे दरबार की प्रश्न है। अगली बार एक प्रश्न और खड़ा मिलेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय।